गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की स्थापना कीजिए। स्थापना मतलब क्या होता है, रचना मतलब उसको बनाना, उसकी स्थापना करना, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे माना कि किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक है ना शुरुआती वेग u तथा t समय पश्चात उसका अंतिम वेग यानी कि बाद विवाद का वेग v है तथा आरोपित त्वरण a है। तो यहाँ तक लिख लेंगे, इसके बाद लिखेंगे v बराबर u प्लस ए टी, मतलब जिसकी स्थापना करनी है वो लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हमको याद तो रहा कि किसकी स्थापना करनी है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे त्वरण, त्वरण को a भी लिखते हैं, यहाँ पर भी लिखा है आरोपित त्वरण को, त्वरण a है, ठीक है ना। तो a बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतर, ये सूत्र याद कर लेना आप, ये सूत्र इसी की सहायता से पूरा जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे a बराबर v ऋण u बटे t, ठीक है ना, v ऋण u बटे t। तो ए टी ये जो पश्चांतर का नियम लगेगा यहाँ पे, इसलिए ये जो बटे में आ गया तो इधर गुणा में चल जाएगा, ये गुणा में हो गया इधर, ठीक है ना। ए टी बराबर u ऋण v ऋण u, v ऋण u हो यहाँ पर रह जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टी प्लस u बराबर v, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ दे चाहे तो, और ये बराबर में लिख दे, चाहे इसको बराबर में लिख दे और इन दोनों को ऐसे घटाव के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा गति का प्रथम समीकरण जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। सो यार मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूले, ताकि और भी इस वीडियो को देख पाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना। ज़्यादा लेक्चर नहीं देता हूं मैं।